आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एडिबोलॉल कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसों का अक्टूबर वायदा 8,270 पर है 2% की करेक्शन के साथ। हम देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा लगातार फिसलता हुआ नज़र आ रहा है 8,700 से। हम देख रहे हैं कि लगातार एक करेक्शन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस करेक्शन में घबराने वाली बात नहीं है। जानकारों के अनुसार सरसों की जो फंडामेंटल्स है मजबूती की ओर है। अभी ये बस जो ऊपरी स्तर से इसको कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल वायदा बाज़ार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर किसी कम्युनिटी में ज़्यादा पैसा लगा दो तो उसकी कीमतें उछल जाती हैं, चाहे हाजिर में उसकी कीमत बिल्कुल भी ना मिल रही हो, और अगर उसमें से पैसा निकाल लिया जाए वायदा बाज़ार में से तो उसकी कीमतें धड़ाम भी हो जाती है, यानी एकदम से गिर भी जाती हैं। तो ये एक तरह से सट्टेबाजी चलती है। तो ओवरऑल रुझान सरसों में अभी भी तेज़ी का ही है, जानकार भी लगातार यही बता रहे हैं। ये बस वायदा बाज़ारों में ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि सरसों का स्टॉक कम है देश के अंदर, 30,00,000 टन का स्टॉक है जो भी बचा हुआ है, और सरसों की फसल आने में लगभग 4 महीने का समय बाकी है, और अभी खपत भी लगातार बढ़ ही रही है क्योंकि ब्लेंडिंग बंद हो चुकी है और रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया गया है, जिसकी वजह से सरसों की जो खपत है ज़्यादा बढ़ रही है, और जो किसान हैं वो भी अपनी सरसों रोक रोक कर ला रहे हैं। तेल मिलों के पास और व्यापारी के पास सरसों का स्टॉक थोड़ा बहुत ही होगा, अगर हुआ भी तो, क्योंकि मोस्टली जो सरसों की जो स्टॉक है का जो यूज़ है वो पहले ही तेल बनाने के रूप में किया जा चुका है। जो सरसों थी पिछले साल की, उसका ज़्यादातर स्टॉक सरसों तेल बनाने में यूज़ किया जा चुका है, और अब किसान अच्छा ही कर रहे हैं, रोक रोक कर ला रहे हैं मंडियों के अंदर फसल, क्योंकि उन्हें सरसों के काफ़ी बेहतर दाम मिलते नज़र आ रहे हैं। वायदा बाज़ारों की बात कर रहे थे हम, 8,200 के लेवल सभी देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से वायदा बाज़ार सरसों का भी और टूटता हुआ नज़र आए, टूटता है तो निचले स्तर से खरीदारी भी निकलेगी, और एक बार फिर से अच्छे लेवल सरसों की कीमतों में जो हमने पहले आते हुए देखे थे अभी 8,700 फिर से वही देखने को मिल पाएंगे, जानकारों का भी ऐसा मानना है।